गौ दान का जब संकल्प छोड़ा जाता है किसी गौशाला में या किसी ब्राह्मण के यहां, तो बहुत चतुरता की जरूरत पड़ती है। गौशाला में या ब्राह्मण के घर में जब गाय का दान देते हैं उस समय पर बहुत चतुरता चाहिए गौदान करते समय। जब गाय का दान दो गौशाला में, तो गाऊ दान कराते समय हमारे यहां तो जितने ब्राह्मण लोग हैं हमने इन सबको कह रखा है कि कोई अगर गाय दान करता है तो उनसे संकल्प छुड़ाते समय संकल्प गौशाला को नहीं देना है, संकल्प भगवान को देना। क्यों देना है? कि गाय आप भगवान को दे रहे हो उनके दूध प्रसाद के। उससे क्या होगा कि दूसरी बार यजमान यहां आए अपने परिवार समेत, तो यहां आए तो कम से कम अगर गौशाला में आए हैं तो चाय प्रसाद ले लिया, दूध प्रसाद ले लिया, तो हो सकता है इनकी गाय का दूध निकला हो और वो दूध में मिला हो, और मिला हुआ दूध का चाय अगर पिएंगे तो दोष ना लगे, इसलिए भगवान को समर्पित। इसलिए जब हमारे ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं संकल्प का तो आखिरी में कह देते हैं कृष्ण भगवान को समर्पित। और ज्यादातर लोग जब गौदान का संकल्प कराते हैं, कोई दादा चले गए, परदादा चले गए, या अपना मन करा और आपने किसी ब्राह्मण को गाय दान करी, तो तुमने ब्राह्मण को गाय दी तो वो कृष्ण अर्पण नहीं कहलाई, वो ब्राह्मण को दी है। अब क्या होगा, जिस ब्राह्मण को दिए तुम भूल से भी उसके घर की चाय मत पी लाना रे दादा, या चरित्र करा दान में दी गई वही गाय ब्राह्मण के यहां से छूट कर राजा के महल में चली गई, और राजा के महल में गया जब दूध निकला तो उसकी जो खीर तैयार हुई वो खीर राजा ने खा ली, राजा को कबूतर की योनि में जाना पड़ा कि दान